दोस्तों, गेम खेलने की लत इतनी बुरी होती है कि आप चैन से सो भी नहीं पाते। अगर आप किसी भी गेम को 10 दिन लगातार 24 घंटे खेलेंगे तो आपके दिमाग में बस वही वही घूमेगा और फिर नींद कहाँ आने वाली है। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैन हुआ पबजी गेम वापस लौट कर आ रहा है। हाँ दोस्तों, क्या आप पबजी गेम के दीवाने हैं? तो बस ये खबर आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवू और स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल शिवू में। भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुका है, जिससे हमारे देश के गेम के दीवानों का बुरा हाल है। लेकिन दोस्तों, देश सबसे पहले है, फिर भी घबराने की बात नहीं है। चीनी कंपनी टेसेंट ने भारत की सरकार को सुरक्षा देने का वायदा किया है, यानी कि गेम कंपनी भारत सरकार से प्रार्थना करेगी कि गेम से बैन हटा दिया जाए और उसके बदले में कंपनी सिक्योरिटी व डेटा के सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लेगी। गेम तो आप कोई भी खेल सकते हैं, तो फिर चीनी गेम ही क्यों, जिससे हम हर पल डर के रहते हैं, जिससे हमें खतरा हो। क्योंकि भारत में इस ऐप के यूजर बहुत हैं, जिसके कारण यह ऐप काफी पॉपुलर हो चुका है और काफी प्रॉफिट भी कमाता है। कंपनी का कहना है कि चीनी टेसेंट गेम्स के पास भारत की फ्रेंचाइजी चलाने का अधिकार नहीं है। वह सरकार से बात करेगा और फैंस को नए अनुभव देने का प्रयास भी करेगी। क्योंकि पबजी गेम साउथ कोरिया की ही कंपनी है, इसने यह स्पष्ट किया है और इस कंपनी पर इसका पूरा अधिकार है। भारत ने पबजी के अलावा और भी चीनी ऐप बैन किए हैं। तो दोस्तों, है तो गेमिंग खुशखबरी की बात, और आप तैयार भी हो जाइए क्योंकि आपका गेम पबजी वापस लौट कर आ रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यह चीनी ऐप है तो इसका विरोध आपको भी करना होगा। आप इसे दोबारा यूज न करें, देश का साथ दें, देश के हित में काम करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी टेक्निकल एवं साइंस से संबंधित वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।